एजेंडा है, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि कभी-कभी हमारे पास इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि मार्केट में लोग जैसे ग्लास वगैरह कटिंग करके सेल करते हैं, तो उनको इस तरह से कुछ चाहिए रहता है कि जो साइज अगर उन्होंने डाला, समझो 7 इंच डाला, तो वो बोलते हैं 7 इंच हमने डाला है, लेकिन 7 इंच की कैलकुलेशन पे नहीं करना है, वो 9 इंच के कैलकुलेशन पे जाएगा। मतलब उनका एक वो रहता है कि 3 3 इंच, 6 इंच और 9 इंच और 12 इंच, 15 इंच, ऐसा 3 3 इंच के बाइफर्केशन में ही वो कैलकुलेशन लेते हैं। तो अपर राउंड ऑफ करके, 3 इंच के अपर राउंड ऑफ करके उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करते हैं और उसका फिर बिल बिल करते हैं। ठीक है, सर, आवाज आई क्लियर? इसमें 6 इंच का भी एक रिक्वायरमेंट रहता है। हाँ, तो 6 इंच अगर रहता है तो 6 इंच को 6 इंच ही ट्रीट किया जाता है, 6.5 इंच हो जाएगा तो 9 इंच वो उसको माना जाएगा। यस, 9 इंच, और नहीं ऐसा भी रहता है 6 का 12 हो जाता है सीधा, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है, तो हमने हम भी अभी हम अभी इस पर्पज के लिए आए हैं कि जो हमने मार्केट में स्टडी करके काफी इंक्वायरी हमारे पास पहले भी आई थी और पार्टनर लोगों के पास भी इस तरह से आती है कि हाँ उसमें जी, हम जो साइज देते हैं वो एग्जैक्ट उस साइज के कैलकुलेशन ना होके नियरेस्ट डिविजिबल बाय 3 का जो फिगर बनता है वो हाँ अपर डिविजिबल बाय 3 का जो भी फिगर बनता है वो ले ले। मतलब 6.5 है तो 9 ले ले, 9 है तो 9 ही रहेगा, 9.5 हो गया बराबर तो 12 ले ले। बराबर है। तो 3 3 इंच का वो बाइफर्केशन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन होती है। यस यस ठीक यस है, तो इस पर्पज के लिए ये हमने सेमिनार रखा था, इस पर्पज के लिए ये ट्रेनिंग हमने रखा था कि आप लोगों को उसको बिजी में किस तरह से हैंडल करना है, तो वो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँ। सर जी, वीडियो हाँ जी, रिकॉर्डिंग करके रखना बहुत काम की चीज है ये। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू ही है। अच्छा, इसमें ठीक, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ग्लास साइज की बिलिंग हम कैसे करते हैं, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो सबसे यही रहता है कि उसकी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में स्क्वायर फीट की जो कैलकुलेशन होती है सबसे बड़ी चीज है यही है। और इसको हमने कस्टम वैलिडेशन के थ्रू इसको सेट किया हुआ है, बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं डिमांड मार्केट में क्या होती है, एज पर मार्केट डिमांड कस्टमर रिक्वायर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑल साइज नियरेस्ट टू अपर डिविजिबल साइज ऑफ 3 इंचेस। अपर डिविजिबल साइज ऑफ 3 इंचेस का मतलब ये हो गया कि अगर वो 4 इंच है तो अपर डिविजिबल 3 इंच का जो बनेगा साइज वो 6 इंच बन जाएगा। लोवेस्ट नहीं लेना, अपर लेना है। इंचेज ऑलवेज कैलकुलेट द एरिया फ्रॉम अपर डिविजिबल साइज, इट कैन बी पॉसिबल बाय कस्टम वैलिडेशन, जो कि अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो हमने एग्जाम्पल भी लिया है, इफ एक्चुअल ग्लास साइज इज 7 इंच इंटू 28.5 इंच इंटू 10 नंबर्स, नाउ कैलकुलेशन विल बी 9 इंटू 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 144, क्योंकि इसमें दो जो साइजेज होती हैं लेंथ और विड्थ की, लेंथ और हाइट की, वो इंचेज में है। अगर इंचेज में है तो वो 144 से डिवाइड करके फिर उसको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट लेंथ को हम 12 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड लेंथ को भी 12 से डिवाइड करेंगे, तो दो बार डिवाइड करेंगे तो जो डिवीजन होगा वो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। तो इस तरह से 18.75 स्क्वायर फीट आना चाहिए। अगर इसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे 7 इंटू 28.5, तो ये कैलकुलेशन कुछ और ही आएगा, जो कि 18.75 ना आके कुछ 16 स्क्वायर फीट या 16 स्क्वायर फीट के आसपास में आएगा। अब इसमें हमने यूज क्या किया वो हम बता देते हैं। एक तो इनेबल अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम फ्रॉम इन्वेंटरी फीचर्स, फिर हमने वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आइटम डिस्क्रिप्शन इनेबल किया है, वहां पे हमने 3 फील्ड लिए है, 4 फील्ड लिए है, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3, डिस्क्रिप्शन 4। पहली लेंथ के लिए लेना है, दूसरी विड्थ के लिए लेना है, तीसरी क्वांटिटी के लिए लेना है, और चौथी हम उसको डिस्प्ले कराने के पर्पज के लिए लिया है कि वो एरिया कैसे कैलकुलेट होगी, उसकी साइज क्या रहेगी, और उसको आपको प्रिंट करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है।
ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसी तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन आइटम के मास्टर में भी रहता है। हमें मेन यूनिट को स्क्वायर फीट लेना है, अल्टरनेट यूनिट को पीसेज लेना है, डिफॉल्ट यूनिट फॉर सेल्स को मेन यूनिट रखना है और डिफॉल्ट यूनिट फॉर परचेज को अल्टरनेट यूनिट रखना है। ये तो हम अभी आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। इसके साथ में हमारे मुंबई ऑफिस से ई इनवाइस की ट्रेनिंग नहीं हुई और हम ये समझते हैं कि ई इनवाइस की जिसको ज़रूरत होती है तो वो मेरे हिसाब से हेड ऑफिस में काफ़ी बार ट्रेनिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन किया ही होगा। आप लोगों में से कितने लोग ज्वाइन किए वहाँ पे हेड ऑफिस में? मैंने नहीं किया। नहीं किया? अब अगर ई इनवाइस, हाँ जी, नहीं मैंने भी नहीं किया। अच्छा, अब जैसे ई इनवाइस की अगर हम डिस्कस करें तो ई इनवाइस में जैसे ई वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ई इनवाइस की होती है। जहाँ पे ई वे बिल कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दिया है उसी के नीचे ई इनवाइस इनेबल करने का भी ऑप्शन दिया है। और दूसरी चीज ये है, अगर किसी कस्टमर का ई वे बिल का जीएसपी यूजर आईडी और पासवर्ड वहाँ पे डालने का जो प्रोविजन है, अगर उसका जीएसपी का यूजर आईडी और पासवर्ड ई वे बिल में डाला हुआ है तो सेम यूजर आईडी और पासवर्ड को हम ई इनवाइस में यूज कर सकते हैं। आपको दूसरी आईडी और पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ई इनवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि हर एक चीज का यहाँ पे कोड होता है। जैसे अगर आपको कोई एक्सपोर्ट की इनवाइस बनाना है तो करेंसी कोड लगेगा और कंट्री कोड भी लगेगा। अगर एक्सपोर्ट इनवाइस है, अगर इंडिया अदर देन इंडिया को कहीं पे मटेरियल जा रहा है तो आपको करेंसी कोड और कंट्री कोड डालना मैंडेटरी होता है। उसी तरह से अब जैसे हमने यहाँ पे देखो दिया है ई वे बिल में जीएसपी यूजर आईडी और पासवर्ड कैन बी यूज्ड, मतलब ई वे बिल का जो यूजर आईडी पासवर्ड रहता है ई इनवाइस में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पार्टी का जीएसटीएन एड्रेस और पिन कोड, ये दो तीनों चीजें मैंडेटरी होती हैं। आपको एड्रेस में एक लाइन का एड्रेस हो लेकिन एड्रेस डालना जरूरी है, डेस्टिनेशन का पिन कोड डालना जरूरी है और विदाउट पार्टी का जीएसटीएन का ई इनवाइस आप नहीं रेस कर सकते। B2C का इनवाइस रेस नहीं होता है। कंट्री कोड और करेंसी कोड इज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इनवाइस। जैसे आइटम में हम UQC फॉर ई वे बिल डालते हैं वैसे UQC फॉर ई इनवाइस भी अपने को डालना मैंडेटरी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ई वे बिल और ई इनवाइस बोथ आर मैंडेटरी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ई इनवाइस आपने बना दिया तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही पार्ट मैंडेटरी है, दोनों ही आपको बनाने पड़ते हैं। ई इनवाइस भी बनाना है, ई वे बिल भी बनाना है। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ? ठीक है सर, आवाज आ रही है? अब हम आगे आते हैं तो हाँ जी, जी सर, अभी हम आगे आते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें डे टू डे जो एरर्स आते हैं तो हमारे पास जो एरर सॉर्ट आउट होके काफी लोगों के फीड ये आते हैं कि ये एरर आ रहा तो क्या करूं, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आप लोगों को बता पाऊं। ये देखो, सबसे सबसे पहला ऑप्शन हमने देखा है वो एक जिगजैग साइन आती है और ये स्टार्ट नहीं होता है। तो इस तरह से अगर कोई चीज एरर आती है तो आपको बिजी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चालू करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बिजी बिन को स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। हाँ जी, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, जो पहले खुली हुई है बिजी की स्क्रीन वही है। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की है? अच्छा, स्क्रीन मेरे में पूरा स्क्रीन डेट पड़ा है सर, अभी आ रहा है? पहले भी शायद आपने वो पीपीटी बताया तो वो भी नहीं आया था। हाँ, अभी आ गया, अभी आ रहा है। हाँ तो थोड़ा पहले बता देते आप। सॉल्यूशन
हमें लगा कि आप वैसे ही बता रहे हो। हाँ, नहीं, मुझे भी वैसा ही लगा। कोई बात नहीं है, अब पहले से नो सर। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। देखो एरर एंड सॉल्यूशन में हमने ये देखा जो जिग जैग साइन आती है ऊपर मेथड एंड ऑब्जेक्ट फेल्ड, ये मोस्टली उसका पर्पज ये होता है कि हम बिजी को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चालू नहीं करते, तो इस तरह से आती है। जैसे आपको जीएसटीआर, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 1A या फिर जीएसटीआर 3B डाउनलोड करना है रिकंसिलेशन पर्पज के लिए, तो वो सारी चीजें अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कभी कभी ये एरर आता है, तो बिजी को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चालू कर दोगे और बिजी बिन फोल्डर को फुल एक्सेस दे दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब कभी कभी कुछ इंटरनेट के इश्यूज आते हैं, जो इंटरनेट प्रॉपर नहीं रहते हैं या उनकी आईपी कहीं बाहर कंट्री की डिटेक्ट करती है, तो मेरे पास कल परसों में 2-3 केस इस तरह से आ गए थे। पता नहीं वो कौन सा इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो बिजी का सॉफ्टवेयर यहाँ पे लेके बाहर कहीं यूज कर रहे हो तो इस तरह से आ सकता है, या तो कोई बाहर का इंटरनेट इंडिया में उसको लेके सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो तो इस तरह से आता है, तो उनको इंटरनेट वाले से ही बात करनी पड़ती है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो राउटर को रिस्टार्ट करते हैं तो कभी कभी ठीक हो जाता है, या तो फिर उनको ग्लोबल एडिशन परचेज करना पड़ता है बिजी का। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, ईवे बिल कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन द डिस्टेंस बिटवीन पिन कोड गिवन इज टू हाई। काफी लोगों को ये इशू आया है 4-6 दिनों में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीएसटी सर्वर से ना चेक करके ईवे बिल के साइट पे आपको एक लिंक मिलता है, वहां पे वो लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ईवे बिल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा, और नया विंडो खुल जाएगा तो वहाँ पे पिन कोड वगैरह सब पूछेगा फ्रॉम एंड टू का, और एक कैप्चा पूछेगा वेरीफाई करके, फिर वो आपको डिस्टेंस बताएगा। ये डिस्टेंस अगर ईवे बिल के लिए आप डालोगे तो ये डायरेक्ट आपको ईवे बिल बनाने के लिए ऑप्शन ओपन कर देगा। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो रिसेंट मोस्टली हमने देखा है कि काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए ये चीजें मैं बताया आपको। अब इसमें मैं अगर बैक जाता हूं यहाँ पे, ये जो हमने अभी स्क्रीन आ रही है ना अभी, हेलो, हाँ जी सर, हाँ, डिमांड एंड सॉल्यूशन, फोन करो तो मैं भी बाहर जा रहा। अब जैसे हमने वही बताया था, एक्चुअल साइज 7 इंच है और 28.5 इंचेस है इनटू 10 पीसेज है, तो ये कैलकुलेशन के लिए इसको 9 × 30 × 10 करके डिवाइड बाय 144 करके लिया जाता है कैलकुलेशन मोड में। तो ये चीज हम बिजी में कैसे टैकल करेंगे, और ये हमने बताया है कस्टम वैलिडेशन के थ्रू। अब हम पॉइंट पे आते हैं, कस्टम वैलिडेशन पे काम कैसे करते हैं और उसपे हम कैसे वर्किंग करते हैं। अभी हम बिजी पे आते हैं। बिजी की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है सर। ठीक है, हाँ सर दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम परचेज के पॉइंट पे आते हैं। ये जैसे हमारा ग्लास 6 mm 8x4 का हमने साइज दे डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट में स्क्वायर फीट ले लिया, अल्टरनेट यूनिट पीसेज ले लिया, और फिर 32 स्क्वायर फीट पर पीसेज डाल दिया। स्क्रीन लेट हो रही है सर। स्क्रीन लेट आ रही है? अभी आई। ठीक है, मैं स्लो स्लो मूव करता हूँ फिर। हाँ अभी आ गई। ये आइटम का ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एंटर किया यहाँ पे पीसेज आ गया, समझो 8x4 के हमने 800 पीस आ गया, ये रेट आ गया आपका। इसको हमने सेव कर दिया। ये आपकी परचेज हो गई।
मेन पॉइंट ये होता है कि जब भी हम सेल करते हैं तो वहां पे हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, जो लोग कटिंग करके देते हैं। सर आइटम मास्टर एक बार फिर से बताना। बता देता हूँ। स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, अभी सेल वाउचर की इंक्वायरी आ गई। आप लोग चिंता ना करें, मैं डेटा भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये आइटम मास्टर है, ठीक है? अब यहाँ पे जब ये डिस्क्रिप्शन आता है, 8x4 ये जो डिस्क्रिप्शन है लेंथ और विड्थ और क्वांटिटी, अब यहाँ पे अगर हमने 7 डाल दिया और यहाँ पे हमने समझो कुछ अलग साइज डाल दिया, क्वांटिटी हमने डाल दिया 20 पीस, अब नीचे ये देखो आ गया 9x30x20, दिख रहा है? हाँ जी। तो वो 7 को क्या किया, 9 ले लिया, 28.5 को 30 कंसीडर कर लिया और 20 को क्वांटिटी है वो 20 को रहने दिया। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 144 करोगे, 37/50 आ जाएगा। एंटर करोगे तो ये फिगर देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, क्वांटिटी में फिगर आ गई 37.5। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको खाली इतना ही देखना है कि जो हमने साइज डाली है वो नियरेस्ट जो 3 इंच का डिवीजर होता है, अपर डिवीजन, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत सही है सर। अब यहाँ पे हम दूसरी साइज भी डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पे 14 इंच डाल दिया, यहाँ पे 31 डाल दिया, यहाँ पे 45 डाल दिया। देख लो, 14 को उसने 15 कर दिया, 31 को 33 कर दिया। और जो स्क्वायर फीट आ रहा है 154.5। हाँ जी, हाँ जी जी, लेंथ और विड्थ को पॉइंट में लीजिए डेसिमल प्लेसेस में। लेंथ अगर 14 पॉइंट ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ले लेते हैं सर। इसमें अगर 30 को अगर ये करेगा तो 30 रहना चाहिए ना? हाँ 30 ही रहना चाहिए। हाँ 30 का 30, 14 का 45 बराबर है। आप कुछ भी करो ना, यहाँ पे 12 करोगे तो 12 ही आएगा। हाँ बराबर है सर। यस, अगर ऊपर पॉइंट में डालनी है लेंथ और विड्थ तो पॉइंट में डाला तो था अभी। लो, हाँ ये अभी तो 12 आ गया, तो सर 12.5 है जो उसका कैलकुलेशन, तो सीधा 115 में जाएगा ना। हाँ वो 15 में ही जाएगा। हाँ 15 आना चाहिए, वो 12 आ रहा है। हाँ नीचे जो फोर्थ लाइन में है ना, वहां पे 15 आना चाहिए था। वो आना चाहिए सर। हाँ वो बराबर है, आना चाहिए था, वही मैं देख रहा था। एक मिनट, नया आइटम ले लो तो। हाँ वो नहीं आ रहा है। हाँ तो वो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। पॉइंट नहीं डाला सर, पॉइंट के ऊपर, ट्वेल्व के ऊपर कोई भी है सर, एक पॉइंट भी हो तो भी सीधा सर 15 में जाएगा। बराबर वो समझ गया मैं। वो कहीं कोडिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा, इसके लिए नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन यह है कि आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर ठीक है जी। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि अगर ये जो है 12 जो आता है ना 12, इसमें एक्चुअली ये ग्लास का हुआ, दूसरा मार्बल ग्रेनाइट कोटा का जो आता है ना उसके लिए रहता है 12 का, अगर जो अगर फिक्स मेजरमेंट रहेगा ना लेंथ, तो वो सीधा 18 में कैलकुलेट करता है। कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको कोडिंग भी देखना, मैं कोडिंग दिखा देता हूँ, और जिसको थोड़ा बहुत कोडिंग पता है तो वो उसको अल्टरेशन करके यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा
आप देख रहे हो कोड, कोड दिख रहा है आपको? ये 4-6 लाइन का ही कोड है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। दिखाई तो दे रहा है कुछ नहीं, नहीं आ रहा होगा शायद। हाँ सर अभी दिखाई दे रहा है, इसमें भी सर समझ में तो आता नहीं है, पता नहीं क्या रहता है एक्चुअली। कोडिंग तो समझ में नहीं आता है, सीधा यूज कर सकते हैं वो सर, वो आपके लेवल की बात है। वो अभी अभी हमने 3 इंच का डालना है, तो 3 की जगह पर अगर हम 6 डाल देंगे, जितने भी 3 है 6 सर। हेलो हेलो, हाँ मैं ये कह रहा था सर कि थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे तो फिगर तो चेंज हो जाएगी। 6 इंच का अपने को चाहिए, 6 इंच का कर लो, वो तो अपन कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें कोड ज्यादा है ही नहीं है जी सर। जब कोटा कड़ापा कोटा स्टोन का जब कैलकुलेशन आता है ना, तो वहां पर ये कैलकुलेशन ऐसा कट और अनकट ये दो चीजें रहती है उसको बेसिकली। कोटा स्टोन में कट और अनकट ऐसा रहता है, कोटा स्टोन आता है 12 इंचेस का आता है और उसको हम लोग कटिंग करके 11 इंचेस का देते हैं सर। तो उसके लिए कट अगर लिखा है 12 इंचेस में तो वो कैलकुलेट 18 करेगा, और उसको अनकट लिखेंगे हम लोग 12 तो वो 12 का ही कैलकुलेशन करेगा। तो आइटम के लिए हम लोग बिलिंग जब भी करते हैं कस्टमर को, नहीं तो कट और अनकट एक अलग से वो देना पड़ता है। नहीं तो वो कट और अनकट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ यस सर इसमें देखो, अभी आपने इसमें जो ग्लास का दिखाया उसमें आपने जो इसमें लिखा ना 12 इंचेस 12.5 तो उसका 15 हो गया, तो ये कट में हो गया। अगर यही चीज अगर अनकट होना हमारे मार्बल उसमें, तो ये 12.5 है तो उसका 12.5 ही लेगा, वो उसका ही कैलकुलेशन मतलब रेगुलर कैलकुलेशन करेगा। जैसे हम 12.5 मल्टीप्लिकेशन बाय 13 डिवाइडेड 144 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आएगा। बट अगर वो कट रहेगा ना, तो उसके लिए 12.5 अगर लिखा तो सीधा 15 इंचेस करेगा, और ये ग्रेनाइट और मार्बल के लिए होगा। कोटा स्टोन के लिए अगर कभी रहेगा तो उसके लिए ये सीधा 12.5 का कैलकुलेशन 18 में जाएगा, मतलब स्टेप ऑफ 6 इंचेस। अच्छा, कट में वैलिडेशन काम करेगा, अनकट में वैलिडेशन रेगुलर यूजर करेगा अपना। नहीं उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिप्शन की एक लाइन में कट और अनकट के लिए कोड वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो कोड वर्ड के बेस पे वो कस्टम वैलिडेशन काम करेगा। जो आइटम डिस्क्रिप्शन में लेंथ और विथ क्वांटिटी डाली है ना, वहां पे हमें एक फील्ड में कट और अनकट लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा डालेंगे, अगर कट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, और अनकट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो हम ऐसा भी दे सकते हैं, कट आगे यस वाई और एन कर दो, कट मतलब ये वाई कर दोगे तो एक अलग फॉर्मूला यूज होगा, नो करोगे तो एक अलग फॉर्मूला यूज करोगे। नहीं लेकिन वो तो दिखाना ही पड़ता है ना, बिल का प्रिंट जो कर रहते हैं तो उसमें तो दिखाना ही पड़ता है ये कट है या अनकट है। अच्छा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, आइटम का मास्टर में डाल दो और आइटम के मास्टर के ऑप्शनल फील्ड से हम उसको चेक करके फिर उसके हिसाब से कर लेंगे, वो भी हो सकता है। और जैसे और कस्टमर का रिक्वायरमेंट एक ऐसा आता है कि सर एक मिनट मैं बोलता हूँ कि कस्टमर का भी समझ लो ग्रेनाइट है, तो वो बल्क क्वांटिटी में अगर कभी उसने पर सेल किया है ना, तो वो उसके लिए सिर्फ कट अनकट ये कुछ भी नहीं लिखेगा, उसके लिए ऐसा कुछ लिखेगा बल्क क्वांटिटी, और उसका जो भी मेजरमेंट लिखेगा वो सीधा जो मतलब उसने फील्ड में लिख दिया वही सीधा उसका उससे ही कैलकुलेशन होगा उसका अमाउंट। समझ गया, ये तीसरा रिक्वायरमेंट है भाई। दो ही चीज हो गई, या एक्चुअल पकड़ना है या कट, या आपको प्लस करके पकड़ना है, दो ही चीज हुई ना बाय डिफॉल्ट। तो समझा जाए तो एक तो हो गया कि जो भी साइज है वो एक्चुअल पकड़ लेना, बात होती है उसमें। यस सर बराबर, हाँ एक्चुअल पकड़ लेना। और दूसरा होता है कि जो साइज है सर, जैसे आपने 7 इंचेस बाय 28.5 इंचेस का जो बताया वो पकड़ना है, तो उसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन 30/9 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं वही बता रहा हूँ। मेजरमेंट रहता है 7/20, ये अनकट का आ जाता है सर। और दूसरा सर एक आता है रिक्वायरमेंट कि पूरा का पूरा जो मेजरमेंट है उन्होंने जितना भी मटेरियल परचेस किया होगा उसका वो लोग एक कागज के ऊपर लिख देते थे कि मैंने इतना स्क्वायर फीट मटेरियल दिया, यानी उसका कोई हर एक चीज का माप नाप अलग से लिखेंगे नहीं।
और टोटली एक बल्क क्वांटिटी में लिख देंगे इतना स्क्वायर फीट और इतना मीटर के इतना रुपीस बस। ठीक है, और ये टाइम पे है ना आप लोगों के पास। सर मुझे एक और क्वेश्चन था। जी जी सर, एक मोल्डिंग का रहता है इसके अंदर जो ग्लास है और ग्रेनाइट मार्बल जो भी कुछ रहता है ना सर, उसका एक मोल्डिंग पर्पज रहता है कि उसकी कोई भी एक लेंथ है तो उसको कैलकुलेशन मोल्डिंग का कैलकुलेशन अलग से होता है। ठीक है, समझ लो लेंथ का जो मेजरमेंट है समझ लो कि 36 इंचेस बाय 12 इंचेस का हमने पकड़ा है तो उसका मोल्डिंग कैलकुलेशन रहता है। जैसे हम लोग तो उसमें राउंड मोल्डिंग वगैरह जो रहता है तो 36 का अगर मोल्डिंग दिया हमने इसमें मोल्डिंग किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेगा 36 इंचेस में मोल्डिंग किया हुआ एक ही खाली एक ही लेंथ में। कभी और कभी ऐसा हुआ कि उसने दो लेंथ में किया 36 की दोनों साइड जो 36 की है उसका दोनों का कैलकुलेशन करना है तो उसका हो जाएगा टोटल 6 फीट। ठीक है, वो तो आप जो है ना बिलिंग का नंबर आप मुझे इनपुट दे देना, वो सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। खाली क्या लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बस मेन पॉइंट वो होता है। हाँ बस बस, यस सर यस सर यस सर। ठीक है, तो अभी हमने ये जो पॉइंट कस्टमर में खुद ने एक्सेल में बना के रखा है, तो अभी कस्टमर ने एक्सेल में ऐसा सॉफ्टवेयर खुद ने बना के रखा है। नहीं, एक्सेल में तो हो ही जाता है, लेकिन एक्सेल से आपका एक्सेल से आपका जीएसटी रिटर्न वगैरह बनाने में दिक्कत होती है, फिर से फीड तो करना ही पड़ता है। आपकी एक्सेल में अगर कुछ वो तो नहीं है, लेकिन एक्सेल में, हाँ एक्सेल में एक्चुअली उन्होंने क्या किया है कि फॉर द मतलब एक वो जो मेटल का कभी उसने एस्टीमेट मांगा ना कोटेशन चाहिए तो उसके लिए उसमें मेजरमेंट वगैरह डाल के एट ए टाइम को दे सकता है कि आपका इतना रुपया हो जाएगा बस। बराबर है, वो कैलकुलेटर हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा, फटाफट उसने दे दिया और कैलकुलेट करके दे दिया उसने, चलो इतना रुपया हो गया आपका, इतना इतना जो मटेरियल है आपका इतना रुपीस हो जाएगा। वैसा उसने एक बना के रखा है खुद ने कि इजीली मतलब फास्ट काम हो जाएगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है, एक्सेल में खुद ने बनाया है, कोई उसमें फॉर्मूलाज वगैरह ऐड करके ऐसा कुछ है नहीं, वो तो फॉर्मूला ऐड हो जाता है। हाँ फॉर्मूला से होता है, जैसे मतलब इसमें आप जैसे बता रहे हो कि इसमें कोई कोडिंग कर रहा है वैसे उसमें एक्सेल में भी होता ही है बहुत कुछ। एक्सेल में भी सब कुछ होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या है था कि ये सिस्टम अब देखो क्या है, उनको एक्सेल से बना के फिर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में तो डालना ही पड़ेगा ना बिल को। यहाँ पे क्या है, बिल का प्रिंट आउट भी आ जाएगा और बिल का प्रिंट आउट भी आ जाएगा, ईवे बिल भी अगर बनाना तो भी बन जाएगा, सारे काम साथ में हो जाते हैं। अभी ये टाइम पे आप लोगों के ईवे इनवॉइस वाले कितने कस्टमर्स होंगे जो 50 या 100 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर वाले हैं, ऐसा मतलब कुछ टारगेट रखा है? एक भी नहीं है सर। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप ढूंढ ढूंढ के फोन करना चाहिए, सर इनवॉइस का सॉफ्टवेयर वगैरह बिजी में आता है तो अभी आप बिजी का डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो आप देख लो, तो इस तरह से आप बात करो, क्योंकि थोड़ा अभी ये पॉइंट्स है जनवरी से मैंडेटरी हो गया है तो एक बार बड़ी कंपनियों में एक बार बात कर लिया जाए, क्योंकि अभी दूसरे सॉफ्टवेयर में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है ई इनवॉइस का फीचर्स। हाँ सर, वो सर बोलते हैं बहुत सारे कस्टमर को हम लोग समझाते हैं ऐसा ऐसा है, ईवे बिल इसमें से डायरेक्ट जनरेट होता है, लेकिन मतलब सबके दिमाग में बैठने भी तो जरूरी है ना सर। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक क्लाइंट का फोन आया, हम SAP यूज करते हैं तो इनवॉइस का फीचर उसमें नहीं है तो बिजी दे दो और इंटीग्रेट कर दो, और फिर उसने ये भी बताया कि टैली से हमने बात किया, टैली में इनवॉइस का फीचर हमने दिया नहीं है। यस, और उसने ये भी बताया, टैली वाले तो बोलते हैं कि जब तक एक छोटे बिजनेस वाले को मैंडेटरी नहीं हो जाएगा तब तक हम बनाएंगे नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट का। यस सर, तो अगर मार्केट में हमारे लिए ये स्कोप है तो हमें उसको फॉलो करके थोड़ा उस पर काम करना चाहिए, कौन सी इस तरह से कंपनियां हैं जिससे हम बात कर सकते हैं, या उनकी ईमेल आईडी मिल जाए तो एक मेलर ही डाल दो, गेट इनवॉइस रेडी बाय जनवरी 2020, तो इस तरह से एक मेलर वगैरह डिजाइन करके डाल दो उनको, तो कुछ ना कुछ मार्केटिंग के तौर पर आप करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बिजनेस आता ही रहेगा। और इनवॉइस में एकदम सिंपल है, इनवॉइस एकदम सिंपल है, जैसे ईवे बिल वर्किंग होती है,
सेम टू सेम वर्किंग करनी है, कोई डिफरेंट नहीं है। अभी हमारा बिजी 21 आ जाएगा, बिजी 21 में ये हो जाएगा कि जो ई इनवॉइस का क्यूआर कोड है वो लोकल इनवॉइस में आ जाएगा। तो ई इनवॉइस अभी लोकल इनवॉइस में क्यूआर कोड का हमने ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ई इनवॉइस का क्यूआर कोड जो आईआरएन नंबर होता है उसका ऑप्शन अभी नहीं दिया है। बिजी 21 में जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तब तक वो हम दे देंगे। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ना अपने एरिया में उस तरह से जो कस्टमर्स है जो 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाले हैं उनके माइंड में सेट करा के रखो कि ई इनवॉइस चाहिए तो आपको फोन करें। तो मतलब एक उनको लैंडमार्क मिल जाए, ई इनवॉइस चाहिए तो इनको फोन करना है, तो काफी अच्छा काम हो जाएगा। ये जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप लोग देख लेना और अपने पास एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेना इस, और डेटा के साथ में कस्टम वैलिडेशन वगैरह भी मैं दे दूंगा। और इसमें जो लेटेस्ट एरर्स वगैरह लोगों के पास आते हैं उसका 2-3 पॉइंट का हमने सोल्यूशन भी दे दिया है, क्योंकि हम उस बेस पे ये पावर पॉइंट बनाए एरर के लिए कि जो हमारे पास मैक्सिमम एरर्स के लिस्टिंग बनी थी उसके हिसाब से हमने 2-3 लिस्ट उसमें डाल दिया था। और इसमें किसी का और भी कोई क्वेरी है? जी नहीं। ठीक है, तो ये डेटा और वीडियो दोनों चीज मैं शेयर कर देता हूँ और प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी सर, जो पॉइंट वाला था ना 12.5 डाले थे अपने, हाँ तो हाँ वो क्लियर करके फिर डेटा भेजो ना, फिर वो अच्छा हाँ, दिखा बिल्कुल 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 वैसे ही करके भेजूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ जी, नहीं तो आपके सामने ही कर लेता हूँ, रुको उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, क्योंकि मार्बल बिजनेस वालों को काम आएगा, कांच वालों को काम में आएगा। ठीक है, इसको मैं ठीक करके ही भेजता हूँ। ठीक है, और कुछ पॉइंट? तो ये मैं अभी आधे घंटे में आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, जिसको जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर ले। सर थोड़ा बिजी 21 में कुछ और कुछ नया है क्या, कुछ ऐसा पता है आपको? नहीं, नया कुछ नहीं आने वाला है, सब पुराना है। जैसा भी इनवॉइस का बताया आपने क्यूआर कोड, ऐसे कुछ खासियत आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी हमारे पास, तो उसकी ट्रेनिंग अलग एक रखेंगे। बिल्कुल सर। सर जी एक पूछना था। जी जी सर, बिलिंग का सर एक क्वेश्चन है मुझे। सर अपने जब बिलिंग कर रहे हैं हम लोग, जब एंट्री कर रहे थे हमने स्टार्टिंग किया इनवॉइस एंट्री किया तो उसमें जो बॉक्सेस के अंदर एंट्री नहीं आता, एक दूसरा अलग से विंडो ओपन हो, तो वो अलग से विंडो ओपन ना हो तो वही सीधा जो बॉक्सेस रहते हैं उसी के अंदर एंट्री हो, ऐसा नहीं? किसकी बात कर रहे हैं, सेलर परचेज की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं? सर कुछ भी हो सकता, जब भी एंट्री करना है अगर मुझे ग्लास, अभी ग्लास और मार्बल में तो सर ऐसा है कि हम लोग उसका स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते कभी भी। बराबर है, इसका स्टॉक मेंटेन ही नहीं हो सकता क्योंकि ग्लास है उसके टुकड़े निकल गए, फेंक दिए सब कचरे। बराबर है। सेम विद ग्रेनाइट एंड मार्बल, उसमें भी समझ लो कटिंग पीसेस दिया, उसका जो स्लैब आता है वो तो बड़ी साइज का आता है, उसमें से कटिंग करके जब भी स्क्वायर कटिंग करके दिया तो बाकी के जो 1 इंच या 1/2 इंच के टुकड़े बचे वो तो स्क्रैप में जाएगा, मतलब पूरा कचरा फेंकना ही पड़ता है। बिल्कुल सही है, उसका स्टॉक नहीं होता, लेकिन जब बिल के एंट्री जब कर रहे हैं ना सर, तो मुझे कहना था कि जो अभी जो बिल में एंट्री आपने जो उसका मेजरमेंट लिखा ना 7 इंच, वो अलग से विंडो ओपन हो, उसके अंदर हमारी रेगुलर जो विंडो थी उसके अंदर नहीं होगा? नहीं, वो समझ गया। देखो क्या है कि हमारे पास बिजी की कुछ प्रीडिफाइंड फील्ड होती है, हम उसी को यूटिलाइज करके सारे काम करते हैं, तो अगर हमें उसी उसकी स्क्रीन में ही अगर कोई फील्ड डालना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पूरी स्क्रीन डिजाइन करनी पड़ेगी अलग तरीके से। यस यस सर, समझ गया राजकुमार सर, वो चीज पॉसिबल नहीं है।
या तो फिर बहुत बड़े लेवल पे कस्टमाइजेशन करेंगे फॉर्म वगैरह डिजाइन करके, तो वो भी पॉसिबल होती है, लेकिन उसमें टाइम और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और फिर पैसे भी उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं कंपनी लोग। यस सर।